गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आई एम सुधा चौधरी फ्रॉम एसकेजी पब्लिक स्कूल। बेटा आज मैं आपको क्लास फर्स्ट की हिंदी फर्स्ट, क्लास फर्स्ट में हिंदी फर्स्ट मैं आपको छोटी ई की मात्रा सिखाऊंगी। कौन सी की मात्रा? छोटी ई की मात्रा। जैसे कि कल मैंने आपको आ की मात्रा सिखाई थी, आज छोटी ई की मात्रा सिखाऊंगी। तो बेटा आप अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक ओपन करेंगे सभी बच्चे, और ऊपर यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे 17/7/2020, और यहाँ डे फ्राइडे। डे कौन सा? फ्राइडे। तो बेटा आपको मैं ये पढ़ना सिखाती हूँ और लिखना सिखाती हूँ, इसको आपको इसी तरह से लिखना है। तो यहाँ पर आप हेडिंग मेंशन करेंगे ई, छोटी ई, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। तो बेटा यहाँ जैसे मैंने लिखा है क, क्या लिखा है यहाँ? क, क पर क्या लिखा है? छोटी ई की मात्रा। तो क्या बन गया ये? कि। क्या बन गया? कि। ख, ख पर छोटी ई की मात्रा घि। ग, छोटी की मात्रा घि। घ, छोटी की मात्रा घी। तो इसी तरह से बेटा दिन, द, छोटी की मात्रा न, दिन। ग, छोटी की मात्रा न, गिन। प, छोटी की मात्रा न, पिन। प, छोटी की मात्रा त, आ, पिता। ग, छोटी की मात्रा ला, आस, गिलास। तो इसको हमें जल्दी से बोलना है। कैसे बोलना है? जल्दी से बोलना है, जैसे कि कि, खि, गि, घी। तो इसी तरह से बेटा आपको इसको बोलना है, और उसके बाद को मैं आपको इसके 10 शब्द लिखने हैं। छोटी ई की मात्रा के आपको अपनी नोटबुक में 10 शब्द लिखने हैं। तो कौन सी की मात्रा के? छोटी ई की मात्रा के। इसके बाद में आप बेटा अपनी बुक ओपन करेंगे, और बुक का पेज नंबर 13 ओपन करेंगे। कौन सा ओपन करेंगे? 13। तो 13 चैप्टर, पेज नंबर 13 पर हमारी छोटी ई की मात्रा होगी। क्या होगी? छोटी ई की मात्रा। तो बेटा द, इसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में आपको इसको एक बार ऐसे रीड करना है पूरा, यहाँ से और यहाँ तक। इसको लिखने, लिखना नहीं है, बस पढ़ना है इसको। द, छोटी की मात्रा न, देन। प, छोटी की मात्रा त, आ, पिता। क, छोटी की मात्रा र, न, किरण। ग, छोटी की मात्रा ल, आस, गिलास। द, छोटी की मात्रा न, कर, देन, कर। प, ह, छोटी की मात्रा य, आ, पहिया। स, छोटी की मात्रा र, सिर। ह, छोटी की मात्रा र, न, हिरण। स, छोटी की मात्रा ये, आर, सियार। क, छोटी की मात्रा त, आव, किताब। म, छोटी की मात्रा ल, कर, मिलकर। न, आ, र, छोटी की मात्रा य, ल, नारियल। तो इसी तरह से बेटा आपको इसको रीड करना है। तो आपके होमवर्क में क्या है, इसको बोल बोल कर पढ़ो। आपको क्या करना है? इसको बोल बोल कर पढ़ो। तो आप इसके ऊपर यहाँ पर क्या लिख दोगे? डेट लिखोगे, और डेट यहाँ 17/7/2020, और होमवर्क भी मेंशन करोगे। क्या करोगे? होमवर्क। तो होमवर्क में आपको क्या मिला है आज? रीड करने के लिए ये चैप्टर रीड, ये पेज आपको पूरा रीड करना है बेटा। क्या करना है? रीड करना है। ओके बेटा, और इसको अच्छे से जोर जोर से बोल करके आप पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।